सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक WhatsApp यूज़र हो, यानी WhatsApp अगर आप यूज़ करते हो, तो आपके दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का WhatsApp आपको दिखता होगा। लेकिन आज जो मैं आपको जिस WhatsApp के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका WhatsApp का फीचर्स बहुत ही अलग है, यानी सबसे हटके अलग है। ठीक है, बहुत कुछ उसमें आपको नया देखने को मिलेगा, जो कि मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ है, वो उसको मैं थंबनेल आपको दिखा देता हूँ। और किस प्रकार इसको इनेबल करना है यहाँ पर देख सकते हो, कोई कुछ इस तरह का आपको जो है WhatsApp आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा किस प्रकार इसमें क्या आपको नया फीचर्स मिलेगा, क्या सेटिंग करना है, किस प्रकार कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस WhatsApp को मतलब यूज़ करने के लिए जो मैं आपको WhatsApp का स्टेटस बता रहा हूँ, ये वीडियो को पूरा प्रोसीजर देखिएगा किस प्रकार क्या इनेबल करना है सेटिंग, इस वीडियो को पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आप WhatsApp को यूज़ कर रहे होगे उसको आपने ओपन करना है। ओपन करके यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा चैट का ऑप्शन, चैट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और चैट का जो है एक बार आपने बैकअप ले लेना है। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे चैट वाले यहाँ पे जाओगे तो चैट बैकअप का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपने एक बार जो है एक से दो बार बैकअप ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, दो से एक या डेढ़ मिनट लगते हैं आपको बैकअप लेने में। तो यहाँ पे दो बार बैकअप ले लेना है आपको। बैकअप लेने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी आपने इसमें चैट जो भी आपने यूज़ किया होगा, जिससे भी आपने बात वगैरह किया होगा, तो वो आपका जो यहाँ पे वापस से आ जाएगा। तो इसको बैकअप लेने के बाद क्या है, जो आपने WhatsApp को डाउनलोड किया होगा, यानी जो आपका WhatsApp होगा उसको एक बार इसको जो है से अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो मैं भी इसको एक बार आप यहाँ से इसको जो है अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले आपने इसको जो है अनइंस्टॉल करना है और अनइंस्टॉल कर देना है, जिस प्रकार मैंने किया है। आप देख सकते हो आपके भी फ़ोन में जो WhatsApp होगा, सबसे पहले उसको अपने अनइंस्टॉल कर देना है, यानी डिलीट कर देना है। डिलीट जैसे कर दोगे, उसको अनइंस्टॉल करने के बाद आपको जो ये जो वीडियो देख रहे हो आप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, तो उस लिंक से आपने WhatsApp को डाउनलोड करना है। तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, उस लिंक से आपने WhatsApp को डाउनलोड करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, बट मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ से ये देख सकते हो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो सिंपली आपने डाउनलोड जो किया होगा आपने, उसको आपने सिंपली जो है इसे सिंपली जो आपने इसको डाउनलोड किया होगा, सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो देख सकते हो दोस्तों ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल हो रहा है मेरा ये, तो देख सकते हो दोस्तों ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। तो सिंपली सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। पुराना वाला जो है वर्जन होगा आपका, जो आपने पहले सबसे पहले पुराना वर्जन को डिलीट करना है, यानी अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तभी जाके ये आपका जो है इंस्टॉल होगा। तो देख सकते हो दोस्तों ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। याद रहे, पुराना वाला जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे पुराना वर्जन को, तब तक ये दोबारा डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। इंस्टॉल हो चुका है तो मेरा सिंपली मैं आप इसको ओपन करता हूँ। तो सिंपली आपने भी इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे एक बार परमिशन सेटिंग आपके हो सकता है ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से सिस्टम पे जाके अपने इसको परमिशन को अलाउ कर देना है। तो उसके बाद आपको जाना होगा एग्री एंड कंटिन्यू पे। उस पे जाने के बाद यहाँ पे अपने, ठीक है, यहाँ पे अपने WhatsApp को आपने लॉगिन करना है। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले मैं अपना WhatsApp को लॉगिन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने अपना WhatsApp जो है लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे फिर से जो है सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग में नहीं जाओगे तो फिर भी कोई बात नहीं, अपने नोट नाउ पे क्लिक करना है। और नोट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा ये अपने यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपने यहाँ पे स्टेटस डाल के रखा होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद सिंपली अपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक जो है यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पे कुछ टाइम आपका लोडिंग लेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा WhatsApp लॉगिन हो गया है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से सिंपली आपने क्लोज कर देना है, और क्लोज जैसे आप इसको करोगे तो ये देख सकते हो दोस्तों मेरा WhatsApp पहले कैसा था और अभी यहाँ पे क्या चीज़ मेरे को देखने को मिलता है। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल अलग से WhatsApp, यानी यहाँ पे मतलब पहले मेरा क्या सिस्टम था और अभी मेरा क्या सिस्टम है, देख सकते हो दोस्तों आपके WhatsApp से और मेरे WhatsApp से कितना अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, ये प्लान आपको कुछ हिंट देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको म्यूज़िक का बटन मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसमें म्यूज़िक प्ले करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी आपको म्यूज़िक वगैरह प्ले करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो म्यूज़िक का बटन दिया गया है,
और प्रोफाइल दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोफाइल यहाँ पे सब आपको जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपका जो डीपी लगा होगा यहाँ पे डीपी शो करेगा, और यहाँ पे आपका स्टेटस लगाना चाहते हो तो स्टेटस भी लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप अपना स्टेटस वगैरह भी लगा सकते हो। और यहाँ पे एक नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे, तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कस्टम का कहाँ यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो कस्टम पे जैसे क्लिक करोगे तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी का नंबर नहीं सेव करूँ, यानी आप ये चाहते हो कि मैं उसका किसी मेंबर को बिना नंबर सेव किए हुए ही मैसेज करूँ, तो इस पे यहाँ पे सिंपली आपने उसका नंबर जो है यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करोगे और उस मेंबर को आपका जो है मैसेज चला जाएगा। ठीक है, और बहुत कुछ यहाँ पे कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं अपने माई यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे ऐप मुझे यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो चैट्स वगैरह कितने सारे ऑप्शन मुझे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको वीडियो बताया है, ठीक है, देख सकते हो व्हाट्सएप मतलब बिल्कुल सबसे हट के व्हाट्सएप है ये। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहीं से डाउनलोड करना है आपने। और पुराना वर्जन जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक आपको ये न्यू वर्जन आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको वीडियो बताई है, यानी वीडियो जो भी मैंने ये बनाई है, तो ये वीडियो बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।